दोस्तों, अगर आपसे दुनिया के सबसे अमीर शख्स के बारे में पूछा जाए तो आप एकदम जवाब देंगे जेफ बेजोस। फोर्ब्स की तरफ से जारी की गई अरबपतियों की लिस्ट में वो इस बार भी सबसे आगे हैं। बेजोस की कुल संपत्ति 131 अरब डॉलर की है। लेकिन अगर आपसे दुनिया के सबसे अरबपति युवा के बारे में पूछा जाए तो शायद आपको जानकारी न हो। फोर्ब्स की तरफ से दुनिया के सबसे बड़े युवा अरबपतियों की लिस्ट जारी की गई है, जिन्होंने छोटी सी उम्र में सफलता की बड़ी सीढ़ियां चढ़ी। आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के 5 सबसे यंगेस्ट बिलियनियर्स के बारे में बताने वाले हैं। नंबर 1 जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नंबर 5, लुडविंग थियोडोर ब्रॉन। 28 साल के थियोडोर उन खुशकिस्मत बच्चों में से हैं जिन्हें जायदाद के नाम पर बिलियन डॉलर से ज्यादा की संपत्ति मिली है। लुडविंग थियोडोर ब्रॉन मेडिकल डिवाइस कंपनी बी ब्रॉन मेलसुगेन में 10% की हिस्सेदारी रखते हैं। ये कंपनी 1939 में शुरू की गई थी। शुरुआती दिनों में ये छोटी मोटी दवाइयां और हर्बल नुस्खे बेचा करती थी, जिसके बाद ये कंपनी बड़ी होती गई और आज इसकी नेटवर्थ 10 मिलियन डॉलर है। थियोडोर के पिता ने 1977 में अपनी कंपनी से संन्यास ले लिया और 10% की हिस्सेदारी अपने छोटे बेटे थियोडोर को सौंप दी। इस जर्मन मेडिकल डिवाइस कंपनी में 58,000 से ज्यादा कर्मचारी हैं, जहां ऐसी दवाइयां बनती है जिनसे इंसानों की जिंदगी बचाई जा सके। थियोडोर को इस कंपनी की केवल 10% ही हिस्सेदारी मिली, लेकिन उनकी बड़ी बहन ईवा को कंपनी में 12% यानी 1.8 बिलियन डॉलर की संपत्ति मिली। नंबर 4, ईवन स्पीगल। ईवन स्पीगल स्नैपचैट के को-फाउंडर और सीईओ हैं, जिसे हम और आप स्नैपचैट के नाम से जानते हैं। स्नैपचैट मोस्ट यूज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जिस वजह से स्पीगल को स्नैपचैट से बिलियन डॉलर की कमाई होती है। लेकिन स्पीगल और को-फाउंडर बॉबी मर्फी के लिए ये आसान नहीं था। इन्हें स्नैपचैट को एक प्रॉफिटेबल कंपनी बनाने के लिए कई साल लग गए। लेकिन आज यानी 28 साल की उम्र में स्पीगल और उनके दोस्त बॉबी की नेटवर्थ 4 बिलियन डॉलर है और बॉबी की उम्र केवल 30 साल है। बॉबी और स्पीगल ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, जहां ये पहली बार मिले थे, जिसके बाद इन्होंने अपने सही टैलेंट को पहचाना और सही जगह काम करना शुरू किया, जिस वजह से ये आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। नंबर 3, गुस्ताव गेगनर विटजोय। गुस्ताव नॉर्वे के बिलियनियर हैं, जिनका सालमार कंपनी पर आधा मालिकाना हक है, जो एक फिशिंग कंपनी है। अगर आपने इस कंपनी के बारे में नहीं सुना तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सालमार दुनिया की सबसे बड़ी फिश प्रोड्यूस करने वाली कंपनी है। 2013 में गुस्ताव को आधा मालिकाना हक उनके पिता द्वारा तोहफे में दिया गया था। गुस्ताव के पिता का नाम भी गुस्ताव विटजोय है, जिन्होंने इस कंपनी को 1991 में शुरू किया था, जिन्होंने नॉर्वे में अपनी कंपनी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। लेकिन अभी भी गुस्ताव के पिता ही इस कंपनी को चलाते हैं। गुस्ताव केवल 25 साल के हैं और आज मालिकाना हक में उनके पास 3.1 बिलियन डॉलर की संपत्ति है। नंबर 2, अलेक्जेंड्रा एंड कैथरीन एंडरसन। अलेक्जेंड्रा और कैथरीन सेकंड यंगेस्ट बिलियनियर हैं। अलेक्जेंड्रा 22 साल की हैं और उनकी बहन कैथरीन 23 साल की। उनके पिता जोहान एच एंडरसन FERO कंपनी के मालिक हैं। ये कंपनी प्राइवेट और नॉर्वे स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करती है, लेकिन 2007 में जोहान ने अपनी संपत्ति की 42% ओनरशिप अपनी बेटियों के नाम कर दी थी, जिस वजह से ये 1.4 बिलियन डॉलर की मालकिन है। अलेक्जेंड्रा उस समय केवल 11 साल की थी जब उनके पास इतनी संपत्ति ट्रांसफर की गई थी। अलेक्जेंड्रा को घुड़सवारी का काफी शौक है और ये नॉर्वे में कई चैंपियनशिप भी जीत चुकी हैं। दोस्तों अब जानते हैं नंबर 1 के बारे में, जो है काइली जेनर। दोस्तों, काइली जेनर के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा। अगर आपने उनके बारे में नहीं सुना तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि काइली अमेरिकन रियलिटी टीवी स्टार और मॉडल हैं। पिछले साल अगस्त में काइली की नेटवर्थ 900 बिलियन डॉलर थी, जिस वजह से काइली यंगेस्ट बिलियनियर्स की लिस्ट में टॉप पर हैं। काइली अपने नाम से काइली कॉस्मेटिक भी चलाती हैं।
जो उनकी अर्निंग का अहम सोर्स हैं। बीते साल कॉस्मेटिक कंपनी में काइली ने $630 मिलियन का बिजनेस किया था और सोशल मीडिया में उनके 127 मिलियन फॉलोअर्स हैं। कड़ी मेहनत और टैलेंट के दम पर आज काइली $1 बिलियन की मालकिन है। तो दोस्तों, आपको इन बिलेनियर्स में से कौन सा सबसे ज्यादा पसंद आया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।